दो दिन के लाइफ के बाद बैक और वन ऑप्शन हो हो का जाना तो पर्सनली ऐसे ऑप्शन के अंदर जो हरकत हुई है वो तो यार अंबानी जी का से उठा दिया जिसने अंबानी आकाश, आकाश भाई को उन्होंने बोला मजबूर कर दिया कि भाई मैं जाके थैंक्स बोल के और ये डील जब उन्होंने हाथ मिलाई तो क्लियर है पहली बात हो गई थी कि विल जैक्स मेरा टिम डेविड तेरा मैं ऐसा कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा ये आई थिंक वो कि वो थोड़ा इमोशनल होकर उन्होंने ऐसा कर दिया बिकॉज Because...

तो वो आउट ऑफ इमोशन फिट चले गए और उन्होंने हैंडशेक वगैरह कर दिया हक कर दिया आर सी बी को कब गया हाँ कब गया कब गया मतलब अंबानी की शादी में क्या होगा ना तेको इतना कुछ पता है अंबानी के बारे में नहीं नहीं भाई मैं फॉलो करता हूँ ना तो देखने से पता चलता है मुझे नहीं लगता कि ऐसे डील भी ये कुछ हो मुझे लगता है पहले से आउट मार चलो ठीक है लेकिन इस वीडियो में हम हर टीम की बेस्ट प्लेइंग इलेवन बनाएंगे प्लेइंग ट्वेल्व अब इम्पैक्ट प्लेयर भी आ गया है

और जो टीम सबसे बुरी जिसका प्लेइंग इलेवन लग रहा है कि बहुत ही लेंडी लग रहा है जिन्हें आईपीएल उस... सीजन की तैयारी करनी हाँ, जिनका फिर सो सकता है भी क्या बनानी है भाई? तो अपना पूरा रिटेन ही किया है ओपन करेंगे इसमें तो कोई चेंज है नहीं ईशान किशन बस जो इन्होंने लिया है क्या तुझे लगता है कि हेड और अभिषेक में से किसी एक को नीचे आना चाहिए और ईशान किशन को ओपन करना चाहिए यार नहीं कभी नहीं होना चाहिए पावर प्ले में तो पावर प्ले में आना पड़ेगा okay, तो 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 चार ओवर है अभिषेक सौरन <laughs> और फिर नीचे चालीस रन और आके हमारे ईशान किशन लेकिन किसी का इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक ईशान किशन विल वॉक इन टू टीम एट नंबर थ्री एज अ विकेट कीपर ठीक है चार नंबर फिर अपना नीतिश कुमार रेड्डी बनता है पांच क्लास मतलब तो चार पांच ऊपर जितने ओवर बच रहे हैं उसके हिसाब हाँ। से भेज दो और इस टीम में अभिनव मनोहर को जो इन्होंने लिया के पास उन्होंने पहले रन बहुत मारे है भाई। तो नंबर पे इसका तो बनता ही कर्नाटक प्रीमियर लीग में भी रन मारे हैं तो नंबर अभिनव मनोहर और सात आठ फिर वही है इंपैक्ट प्लेयर के हिसाब से आप किसी को भी खिला लो ये जम्पा को भी खिला सकते हैं ये इन्होंने मैं लिया श्रीलंका का श्रीलंकांडिस जो बहुत ही रन मारे जा रहा है और बोलिंग अगर आप इनकी आ जाए हर्षल पटेल खेलेगा ही खेलेगा पैट कमिंस हो गया इन्होंने नटराजन और भूवी के रिप्लेसमेंट ही ले गए हैं शमी और हर्षल पटेल Hmm. अब मैं बोलूँ तो नटराजन मुझे लगता है थोड़े से शमी से बेटर बॉलर है अभी इस टाइम पे वाइट बॉल में शमी के वो जो विकेट के सीजन सीजन थे थे वो दो सीजन पहले थे। उसके तो इंजर्ड भी हो गए और तो संज... और संजय मांजरेकर ने यार सही बोला शमी भाई गुस्सा होगा इस बात से पर कहा कि शमी का प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरेगा शमी भाई इस पर गुस्सा होगा ट्वीट भी किया कि मेरे को किस तरह बोल रहा गुरु लेकिन सच में शमी जितने का दो साल पहले बिकता उतने का तो नहीं बिकता वो है ही ना थोड़ा शमी तो शमी हर्षल पटेल खेलेंगे नॉट फर्स्ट चॉइस लास्ट ईयर भी खिलाए थे कुछ मैचे तो आई डों थिंक फर्स्ट चॉइस होंगे बैकअप्स मैं इनके देख लेता हूँ बोलिंग uh, में इन्होंने एक भाई जीशान अंसारी को लिया है जो बंदा यूपी टी ट्वेंटी का लीडिंग विकेट टेकर है hmm. तो आई थिंक और लेग स्पिनर है hmm. और रिस्ट स्पिनर टी ट्वेंटी खेलते ही खेलते हैं तो आई थिंक एट सम पॉइंट उसे भी ये खिला सकते हैं इन्होंने ईशान मलिंगा भी लिया भाई दबे हाँ अगर तो आपको एक नाम सेम है या वो मलिंगा का फैन है मैं तो लेके चल रहा हूँ मलिंगा सामने आ रहा तो वही होगा ना तो ईशान मलिंगा भी खेल सकता है इस टीम में ईशान मलिंगा बोल लाइक मलिंगा विल फिगर आउट इन हैदराबाद स्टेडियम

स्ट्रेंथ और वीकनेस देखें तो बैटिंग इनकी भाई बहुत तगड़ी है अपने होम ग्राउंड के लिए परफेक्ट बैटिंग है कहीं कहीं भी, हाँ, कही भी इनकी मुझे इनकी, वीक लग रही है अगर कुछ निकालना है मतलब कुछ आगे इनकी टीम में कुछ पूरा तो नहीं कुछ चल की रहा। बात नहीं है राहुल बोलाहुलर ने इतना आउटशाइन परफॉर्म तो एज अ स्पिनर नहीं किया है तो आपको अगर जैम्पा को डालना पड़ेगा जैम्पा यार विकेट टेकर तो है देखो तो जैम्पा अच्छा परफॉर्म करते लेकिन पेस अटैक इन इनका ना जयदेव मोहम्मद नोहरजीत सिंह लिए है सिमरजीत सिंह वाले और भाई इस चेन्नई से भी इसने अच्छा किया है तो इनके पास पेस अटैक भी बैकअप में है शुभम शुभ इन इनएक्सपीरियंस पेस अटैक है पर ऐसा है कि इनकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो 250 मार देगी तो 250 डिफेंड कर लेंगे हाँ इतना तो है क्योंकि हर्षल पटेल के विकेट तो पक्के हैं और मोहम्मद शमी भी चाहिए एज हो गई है पर ऐसा नहीं है कि मोहम्मद शमी चार ओवर में नब्बे खा लेगा तो इन और इनकी बैटिंग लाइनअप देख के ये तो मारेंगे इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ ये बोलिंग लाइनअप ठीक है अच्छी है

इस वीडियो में जो बंदा है है वो असल में टकला है भाई और मो भाई भी तो <laughs> तो ये तो रियल मीम ना हो आरसीबी आरसीबी के लिए भाई इन्होंने हाँ, जीती है लेकिन एक ऑप्शन में मीम्स का अनलिमिटेड सप्लाई आरसीबी ने कर दिया है ट्रॉफी जीरो मीम्स हंड्रेड टू हंड्रेड जितने हाँ, मीम्स बनाओ, हाँ, बनाओ आरसीबी हाँ, के ऊपर इतने मीम्स बन गए भाई कंटेंट तो मिल जाता है सबको आरसीबी थैंक यू सो मच आप कंटेंट मजे आरसीबी ने करांग

किसके साथ आप हैंगआउट होना चाहेंगे किस सुपर हीरो के साथ विराट भाई के साथ बताया ऐसे बंदे को मतलब जो बंदा एक फ्रेंचाइजी को उसके अपने टीममेट्स को इतना हाईली रेट करता है उसको आप एक दो बैड सीजन पे नहीं रेट कर सकते अगर सिराज भी होता बदतमीज नखरे वाला प्लेयर और सोचो अगर सिराज अब जी टीम परफॉर्म कर दे आरसीबी क्या मूड है तो ये तो आरसीबी की हिस्ट्री रही है शिवम दुबे हो गया से खुश हूँ सिराज के लिए कि से गया, अब वो लाल बॉल से परफॉर्म कर रहा है ही देगा सिराज के लिए तो ये अच्छा काम हो गया बट हां हेजलव स्टार्ट करेगा जो भी हुआ सिराज भाई भुवनेश्वर कुमार ले लिया इन्होंने भाई इनकी फास्ट तो सही लग रही है फर्स्ट प्लेइंग 11 में जो फास्ट बॉलिंग है भूवी दयाल रसिक सलाम डर्बी भी इनके पास है जिसे इंपैक्ट में ला सकते हैं एक और फास्ट बॉलर को लिया है तो उसे खिलाएंगे ही हाँ इम्पैक्ट प्लेटर में वो भी हाँ, आ सकता है हाँ, और देवदत्त भी आ सकता देवदत्फ मुझे लगता है उससे बैटिंग भी कराएंगे क्योंकि वो छे नंबर सात नंबर पे बैटिंग भी कर सकता है वो अच्छा बैटर भी है तो रसिक सलामडर चार ओवर भूवी यश दयाल दोनों यश दयाल तो कहीं भी बॉल डाल सकता है एडवे भी डाल सकता है भूवी भी कहीं भी डाल सकता है खिलाना है है बहुत वीक पांड्या मुझे लग रहा है इन दोनों से बेटर स्पिनर है क्योंकि सुयश शर्मा ने इतने छोटे ग्राउंड में सुयश शर्मा ने अब तक बॉल पता है कहाँ डाली है जहाँ चार ओवर नारायण डाल रहा है चार वरुण चक्रवर्ती डाल रहा है

आरसीबी की प्लेइंग इलेवन जो है स्टार्टिंग तो बुरी नहीं लग रही है भाई इट्स अ गुड प्लेइंग मैं लायम लिविंगस्टन को अभी भी ये रील मेरी कभी कट जाए बाद में तो कट जाए बट आई स्टिल डोंट रेट लायम लिविंगस्टन हाईली क्या मैं उसे माइल्डली भी रेट नहीं करता हूँ ही विल नॉट गेट यूर ट्रॉफी हाँ जो तूने बात बोली थी वो बता देना लायम लिविंगस्टन के बारे में किस दिन रन मारेगा हाँ और मुझे भी लगता है कि लाल उस दिन रन मारेगा जिस दिन सोल्ट ने मार दिए कोहली ने सौ रन हाँ। मार दिए हाँ। अच्छा नीचे कुनाल पंडे भी मारा तो लाल कहेगा मैं भी मारता हूँ पांच सौ रन किसी दिन अपने दम पे मैच नहीं जीता लेकिन, लेकिन जिस दिन आपने लिविस्ट्रोन कह दिया भाई सुन पांच पे चार है और डेढ़ सौ रन मारने एबीडी एबीडी जो करता था या फिर स्टोनिस भी एक बार को जो करता है वैसा कर दे

अब तो सब मलिंगा है उनके यहाँ वो है कि वो नॉर्मल एक्शन है हाँ। जो मलिंगा के अलावा बॉलिंग डालता है भाई उसका एक्शन कुछ डिफरेंट है बट हाँ हा, इनके जो बैकअप है और बता नुवान तुषारा इन्होंने एक लिया है भाई देवदत्त पटिकल भी इन्होंने एंड में देवदत्त पटिकल तो लग रहा है बैटिंग भी कर सकता है कहीं ना कहीं हाँ एक पॉइंट का तो करनी पड़ेगी जब परफॉर्म नहीं करेगा तो उसे बाहर करेंगे पे भी आप कर सकते स्वास्तिक चिकारा जिसको मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ स्वा... हाँ, स्वास्थ्य कर चिकारा। चिकारा में बहुत रन मार्स छक्के मारने वाले प्लेयर को स्वास्तिक भाई को बैटिंग करा सकते हो आप बैटिंग करा सकते हो और लुंगी नगीडी को भी लिया है तो फास्ट बोलिंग में तो बैकअप भी ले लिया नीचे खेलेगा उसका कोई बैकअप नहीं है

मिडिल ऑर्डर कुछ खास नहीं लग रहा है टॉप ऑर्डर तो सही है बैटिंग और विराट कोहली पे बहुत डिपेंडेंट फिर से, से वही हो गया कि ना चाहते हुए भी कोहली को 135 से खेलना पड़ेगा क्योंकि उसे पता है नीचे कोई नहीं है वही ना के से बीके पे आ गए हो हाँ। और अब बीकेएल भी वही तीनों पे बहुत डिपेंडेंट है उसमें भी एल को तो मैं एल ही मान रहा हूँ बट आई थिंक दे है उसकी बैटिंग आ गई Maybe, वो ओपनर तो है।, तो है, है।, है वो फिर वो टॉप ऑर्डर में कहाँ खेलेगा की वजह से hmm. उस ग्राउंड में लोग कितनी अच्छी कर पाएंगे फास्ट ऐसे चारों अच्छे फास्ट बोलर भुवनेश्वर कुमार यश दयाल और रसिक सलामडर उस ग्राउंड में कितने अच्छे होंगे पता नहीं स्पिन बोलिंग बिल्कुल कुछ नहीं है मिडिल ऑर्डर बिल्कुल कुछ नहीं है किंग कोहली की टीम है इसलिए मिड में रख दे रहा हूँ नेक्स्ट टीम है हमारी राजस्थान रॉयल्स

सही हाँ लेफ्टी खेलता है ना अच्छा मैंने हाँ यही हाँ, पता हाँ, मुझे है ब्रायन, ब्रायन लारा फेवरेट प्लेयर है और उसने ऑस्ट्रेलिया से जो भी मैच हुआ है इंडिया ने ने ब्रायन लारा ने जब क्रिकेट छोड़ दी होगी हाँ, तब भी शायद ये पैदा नहीं हुए इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पैदा हुआ तो ब्रायन लारा ने तब क्रिकेट छोड़ दी मतलब मेन क्रिकेट तो छोड़ दी दो हजार वर्ल्ड कप के बाद पैदा हुआ है बताओ और फेवरेट प्लेयर ब्रायन लारा ये तो मेरे ख्याल रेडियो तो है ना उनकी और लेफ्टी दिखाते होंगे इसके पापा की देखो सबसे अच्छे लेफ्ट हैंड के बैटर ये हुए हैं दुनिया में आज तक के पर आई से छोटा प्लेयर आईपीएल तब तीन चार साल का था जब ये भाई पैदा हुआ पर राजस्थान का है ना कि नर्चर हाँ। तो चाइल्ड लेबर ही पकड़ है यार, यार तो। तेरह साल में कोई क्रिकेट खेल रहा है उसे क्रिकेट खेलने के पैसे मिल रहे हैं तो ये चाइल्ड लेबर नहीं हुआ लेकिन जब ये आईपीएल खेलेगा तब चौदह का हो जाएगा तब भी चाइल्ड लेबर चौदह से ऊपर तो चाइल्ड नहीं है चौदह है बट कमिंग बैक टू राजस्थान रॉयल्स भाई प्लेइंग प्लेंग इलेवन में से आधे तो उन्होंने रिटेन ही कर लिए थे

तीक आ, शर्णा तीक शर्णा को भी लिया है है हसरंगा तेरे हिसाब से कैसा जयपुर में स्पिन काम भी करती है और ये सब बट हसरंगा का मुझे वही लगता है कि उसको मैं इंटरनेशनल मतलब जैसे जो एक नूर अहमद है राशिद खान है अभी हसरंगा थोड़ा इनसे पीछे हो गया है ऐसा, ऐसा मुझे लगता है कि जो जिस लेवल के स्पिनर्स बाकी चल रहे हैं या इनफैक्ट हमारा चहल भी हो गया या कुलदीप यादव हो गया इनसे थोड़ा सा हसरंगा मतलब उसकी एबिलिटी पूरी है और श्रीलंका प्रीमियर लीग में ना क्या है ना कि वो एक सीजन बत्तीस अवार्ड जीत गया था बैटिंग के बोलिंग के सब मिला के थर्टी टू ओवर जीत गया था तो उस लीग का तो कोई लेवल है नहीं, नहीं। वहां तो बाबर आजम भी तेज खेल लेता है तो हसरंगा आईपीएल के कंपटीशन के लिए कितना रेडी है जैसे एक बार और इसको पैसे मिले थे खेला नहीं फिर ये पूरा सीजन बाहर ही रह गया तो मुझे देखना है कि हसरंगा कैसा करेगा आईपीएल में क्या ये उस क्वालिटी का स्पिनर है या प्लेयर है नो डाउट अच्छा प्लेयर है

अगर जोफ्रा आर्चर का वो पीक वापस आ जाए तो भाई बोलर तो कि नहीं? हाँ, हाँ, तो नहीं, नहीं आज भी वाली वीडियो याद है कि जब बॉल गिरी बट विल जोफ्रा आर्चर वॉक बैक इन टू टीम इज अग क्वेश्चन मतलब बुमरा एक इंजरी के बाद उतना ही तगड़ा होकर वापस आया तो ऐसा है नहीं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जोफ्रा आर्चर भी प्रैक्टिकली तो ऐसा वापस आ सकता है आएगा कि नहीं ये देखने के बाद पता चलेगा बट राजस्थान को एक फास्ट बॉलर उस लेवल का चाहिए था वो उनकी डेस्पिरेशन दिख रही थी हाँ। दे वेंट आफ्टर आवेश खान दे वेंट आफ्टर ट्रेंट बोल्ट एंड फिर उनको जाके मिला जोफरा आर्चर और जोफरा उन मतलब राजस्थान में ही था पहले तो आई थिंक ही इज आल्सो अ गुड बाय जोफरा आर्चर को लेना तो बनता था पर जोफरा आर्चर के साथ यहां पे संदीप शर्मा बॉल डालेंगे तुषार देश पांडे या आकाश मडवाल में से कोई एक बॉल डालेगा आकाश मडवाल ने बाय द वे अपने इंस्टाग्राम से बायो से मुंबई इंडियंस हटा दिए और तो रोहित शर्मा भाई का नाम लगा दिया आर फोर्टी फाइव फॉर एवर तो रोहित शर्मा को बहुत मानते हैं बट आकाश मडवाल भी गुड पेस एल एस जी को तो बहुत अच्छा एक मैच भी हराया हुआ है और मुंबई इंडियंस को ये 2023 में ले तो गया था भाई इन्होंने बिल्कुल भी रिटेन नहीं किए थे उनके पीछे ये डेस्परेटली गए यार रियान पराग रिटेन था भाई भाई उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो इस पिच पे मैच चल रहा होता है तो इस पिच से <laughs> बॉल डालता है <laughs> जेनुइन फास्ट बोलर की मैं बात कर रहा हूँ फाइनलली जाकर जौफर आज मिला है बट मुझे ओवरऑल ये सही लग रहा है कि संदीप शर्मा आकाश मडवाल दोनों बढ़िया बॉलर हैं आकाश मडवाल भी संदीप शर्मा की ज्यादा एक्यूरेट बॉलर है <laughs> तेज भी डालता है डेथ में भी डाल सकता है शुरू में भी डाल सकता है और तुषार देश जो इंटरनेट पे पॉपुलरली नोन एज स्टेन ऑन ऑट डेज एंड तुषार देश ऑन इवन डेज तो वो तुषार देश पांडे द वे बैटिंग भी करता है अगेन हाँ, प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं नहीं है। नहीं हाँ, बट में, में सेंचुरी है तो बैटिंग भी करता है तुषार देश पांडे तो आप तुषार देश पांडे मडवाल में से किसी एक को खिला सकते हो आर्चर और संदीप शर्मा तो स्टार्ट करेंगे करेंगे और जयपुर में यूनिट है एक और इनके पास फास्ट बॉलर है जो जो मेरे को सही लगता है बंदा

ये आई थिंक इन्हें खलेगा क्योंकि क्यों भाई नीतीश राणा यार नीतीश राणा वो अगेन दैट्स द थिंग इफ नीतीश राणा रियान नहीं तो यू कांट प्ले टू फॉरन

क्योंकि इंडियन स्पिनर है ही नहीं कुमार कार्तिक है कम्प्लीटली इनएक्सपीरियंसड तीक्षण हसरंगा आरसीबी के कौन है स्वप्निल और सुरेश स्वप्निल सुरेश कृणाल पांड्या इंडियन तो है नहीं भाई भाई नहीं, आ, अच्छा ठीक है बट आई डिसग्री है आई थिंक दिसकरी हसरंगा दिसकरी। मैं भी मान रहा हूँ आरआर की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है स्पिन मैं हसरंगा बहुत वीक है स्पिन इतनी वीक नहीं है भाई स्पिन बहुत ज़्यादा मैं पावर हिटिंग वीक है मैं, मैं मानता हूँ पावर, हिक पावर हिक हिटिंग की बिल्कुल आगे हाँ, पहली बॉल तो नंबर पे एक फिनिशर और चाहिए आर्चर फॉर्म में नहीं है या इंजरी से बहुत वापस आ रहा है मानता नहीं है स्पिन तो बना लिया है मुझे आर्चर संदीप शर्मा आकाश मडवाल तुषार देश पांडे वैसे ये सही है दोनों दोनों एट पार है दोनों अच्छे हैं दोनों चीजें अच्छी है

कि आर आर वॉज ऑलवेज नोन फॉर अंडर were always नोन की जो छोटा नाम है उसको बड़ा कैसे बना दे भाई सड़क से उठ के किसको स्टार बना दे? वैभव सूर्यवंशी वैभव यशस्वी जायसवाल आया अच्छा ध्रुव जुरैल रियान पराग अब जॉस बटलर भी भाई आईपीएल में बड़ा नाम नहीं था पर MI के पास था राजस्थान ने लिया तो जॉर्ज बटलर भी सो so नाव

क्योंकि पॉन्टिंग ने कहा कि जो मेरे साथ उठ के ब्रेकफास्ट करेगा मेरा वाला उसे ही लूंगा टीम में दाएं बाएं मैं किसी के लिए जाऊंगा नहीं मोस्टली मार्को एंसन को जो पिक किया उसपे पॉन्टिंग गुस्सा लग रहे हैं भाई सो मोरलेस इनका ये कि काफी सारे ऑस्ट्रेलियंस लिए और जो थैला था वो इनका थैला खाली हो गया तीन ही प्लेयर्स को लेने में ए अर्शदीप हर्षदीप यूजी चहल एंड ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव अयर और जब अर्शदीप को ढारा देने ही थे तो आपने उसको मार्केट में चेक किया तेरा प्राइस हुँ, क्या है वो तो जब आप घर पर सामान लेके आते हो तो आप बाहर से भी दूसरी ऑनलाइन भी चेक करते हो अमेजोन पर कितना प्राइस है वो हुआ है अरजदीप सिंह के साथ तो अरजदीप को थोड़ा तो लगाओ कि क्यों लेकिन चलो भाई मैं हूँ पंजाब बोल दिया अरजदीप ने इज बैक अगैन अरजदीप श्रेस अयर युजवेंद्र चैल सीधा पूछ रहा हूँ ये तीन मिल के चलिए एक ग्लैंड में को भी होमकमिंग कर देता हूँ ये चार मिल के क्या पंजाब की फितरत किस्मत रूह बदल देंगे नहीं चौथा अच्छा बॉलर भी चाहिए ना पांचवा अच्छा बॉलर भी चाहिए वो नहीं है मार्को एनसन हरप्रीत ब्रार लॉकी फर्ग्यूसन यूजी चहल अर्शदीप सिंह ये इनके पहले पांच बॉलर मुझे लग रहे हैं बैकअप भी अगर मैं गिनूँ तो इन्होंने अजमतुल्ला उमर जई लिया है जो फास्ट बॉलिंग कर लेता है ठीक ठाक यश ठाकुर लिया है यश भाई बुरी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी पहले जी में बहुत उन्होंने शॉर्ट थर्ड मैन पे कैच लोकी फर्ग्यूसन है लौकी फर्ग्यूसन अगेन जाने जा वो है ये न्यूजीलैंड के तुषार देश हैं

सिमरन के साथ करने के लिए कोई ओपनर नहीं है ना नहीं। नहीं नहीं। नहीं। बॉडी बन गई जिम जागे नहीं मुझे इनका यही लगता है जो डीसी और पंजाब में डिफरेंस आ गया कि डीसी पे भी उतने मतलब अच्छा खासा पर्स था इन सब यही कह रहे थे कि डीसी जाएंगे बड़े प्लेयर या पंजाब जाएंगे या आरसीबी जाएंगे अगेन आरसीबी का कितना क्रिटिसिज्म करो बट वो क्योंकि किसी प्लेयर के पीछे इतना नहीं भागे तो उन्होंने ऑप्शंस रख लिए पंजाब की दिक्कत वही आ गई क्योंकि ये तीन प्लेयर्स के पीछे इतना ज्यादा चले गए इन्होंने एक मेजर चंग तीन प्लेयर्स को दे दिया इनके पास भी फिर ऑप्शंस जमा करने के पैसे नहीं बचे नेहाल डेरा ओपन करेगा नहीं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है बस करना कराना पड़ेगा मतलब तो 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 मैं क्या तो किसी से तो जो मैंने है, वो और मैं भी ओपन करा रहा हूँ क्या कर सकते हैं श्रेयस अयर ग्लेन मैक्सवेल मैं इनको मिडिल ऑर्डर में रख रहा हूँ निहाल वडेरा रखा है मैंने शशांक सिंह क्योंकि रिटेन था वो तो रखा ही रखा है मार्को एनसन पे रिकी बॉन्टिंग गुस्सा थे बट आई विल स्टार्ट एट ही इज हरप्रीत बराड एज स्पिनर खेलेगा खेलेगा युजवेंद्र चहल के साथ सिर्फ पंजाब अब ये युजवेंद्र हरप्रीत दोनों साथ खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे एक तो लेफ्ट आर्म ऑफ हार्मिनर एक राइट आर्म पर दो स्पिनर स्पिनर आप, आप खिलाओगे पूरे आ, एक बैटिंग स्पॉट में खिलाएंगे मैं दो स्पिनर तो हर्डिंग खिलाएगी भाई अभी भी मैं स्टैट्स पढ़ रहा था ज्यादा इकोनॉमिकल इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद भी मतलब जब से स्ट्राइक रेट बढ़ गए हैं तब भी कम इकोनॉमी स्पिनर्स का ही है हाईब्रिड सबने फास्ट बोलर्स के लिए लगाई है में लेकिन इकोनॉमिकल अभी भी स्पिनर्स ज्यादा है।, तो आए... है, अच्छा है, और... है स्पिनर तो पंजाब का ग्राउंड है दो मिनट के लिए रख लेते हैं हरप्रीत बराड़ लोकी फोगेसन युजवेंद्र चैल अर्शदीप सिंह अभी लग रहा है ठीक है अब इनके पेसर हो गए अर्शदीप सिंह लोकी फोगेसन मार्को एनसन स्टॉनिस से भी आप करा सकते हो अब इनके बैकअप पेसर अच्छे विजय कुमार भी इनके पास है हाँ। और यश ठाकुर भी है कुलदीप भी इनके इनके पास सेन सेन है।, है तो बैकअप पेसर्स इनके बहुत अच्छे हैं पंजाब bad, दिस दिस की प्रॉब्लम क्या चौ साल से कुछ भी करके हम फिफ्थ पोजीशन या सिक्स्थ पोजीशन पे कैसे जाते हैं पंजाब फिर से कहीं सिक्स्थ पे ना आ जाए

Hmm. But this is not a team that's scaring मतलब मतलब ऊपर से अगर मार्क अब मार्कस का ओपन ओपन नहीं है तो मतलब करता है, है है तो करता में किया है। में में बीच-बीच और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा ओपनर देख के डर तो हाँ नहीं लग रहा है बॉलिंग अच्छी मतलब आप देखो चार ओवर अशदीप के चार ओवर हो गए उसके बाद को चल भी दे, अच्छा डाल रहा है अच्छा। भाई बैटिंग बैटिंग भी अच्छी अगर अभी मुश्ताक अली में जो अयर चल रहे हैं चश्मे लगा के आए तो नहीं चश्मे लगा के तो वो भी नहीं पता है नेक्स्ट टीम है भाई मुंबई इंडियंस जिनका सबसे ज्यादा मैटर ये होने वाला है कि पहला ओवर कौन डालेगा मैं अगर होता मैं तो हार्दिक को भाई हाँ <laughs> <laughs> तू अगर होता और तू उस टीम का डाउनफॉल चाहता <laughs> तो भाई भाई, भाई बुमरा आ... बोल्ट चहर मजाक कर रहा हूँ कोर्स भाई मतलब हार्दिक को तो खुद पता कि अब पहला ओवर शायद नहीं करना है नहीं। बोल्ट जिस टीम में बोल्ट है वही पहला ओवर करता है भाई नहीं भाई

आउट तो नहीं हो रहे वो दोनों भी अब छह में उनके पे पर साथ ओपनर मतलब संजू का कोई सबसे क्लोज कंपटीशन है तो फिर आई थिंक वो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ही है हाँ। क्योंकि हमने रोहित और विल को साथ बैटिंग करते हुए थोड़ा सा पता नहीं कैसे आएंगे कैसे क्या निकलेंगे पता नहीं ना रोहित तो और विलजैक्स गुड ओपन है भाई वन डाउन सूर्य कुमार यादव है तिलक वर्मा वन डाउन जो भाइयों की बात हो जाए जो भाइयों में आके सुना हो जाए वन डाउन तिलक वर्मा जिसको सेंचुरी मारने का मन आज आज तू मार ले, आज मैं मार ले मैं देता वन डाउन तिलक वर्मा टू डाउन सूर्य कुमार यादव भी ऊपर नीचे भी हो सकता है कीपर मैं खिला कहता हूँ रॉबिन मिंस को खिला लो हाँ वो तो नीचे बैटिंग क्योंकि आपको ऊपर मिल गया हार्दिक पांच से नीचे तो नहीं आएगा हार्दिक यार नहीं तो हार्दिक को ऊपर कर लो हार्दिक फाइव और छे पे आप कर लो रॉबिन मिंस को ठीक है सेंटर को खिलाएंगे क्या धोनी भाई के फ्लैट से बाहर निकला है वो दो स्पिनर घर पे तो पता नहीं खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे शायद सिर्फ गजनफर खिलाएं बट वेल क्योंकि इनके पास भी अगर देखा जाए तो छह सात नंबर पे बैटिंग करने के लिए कोई बैटर है नहीं नमनधीर एक इन्होंने लिया है तो नमनधीर को नमनधीर को नमनधीर हाँ। छे पे और अर्जुन तेंदुलकर सात पे अरे थर्टी लैक्स पर एनम फ्री के पता ही कि पहली बार में बिड नहीं किया फिर वो तो अर्जुन को दिखा दिया अर्जुन स्टार्ट करेगा अर्जुन स्टार्ट नहीं करेगा भाई इनके दस और ग्यारह पक्के हैं बुमरा बोल्ट दोनों के आठ ओवर भाई आई थिंक तीसरा चार विकेट इनका आठ नंबर भी पक्का है दीपक चैर इनकी पावर प्ले की बॉलिंग शोर्ट है दीपक चैर अगर हॉस्पिटल नहीं गए ज्यादा और फिट रहे थे तो बहुत धोनी तो खेल में खेलने पड़ेंगे भाई फिट रहना पड़ेगा इनका जो पंगा पड़ेगा वो पड़ेगा छे और सात नमन धीर एक है नमन धीरे को खिला सकते हो दूसरा इनके पास कोई नहीं है जो रोल इनके पास लास्ट टाइम भी नहीं था सेंटर खेलेगा भी भाई खेलेगा बट सेंटर क्या सात नंबर का बैटर है मतलब हार्दिक पांड्या को 2018 वाला हार्दिक पांड्या बनना पड़ेगा अब हार्दिक पांड्या को ही मैचेस फिनिश करने पड़ेंगे क्योंकि हिटर तो नहीं है मैं इनके बैकअप्स भी देख रहा हूँ तो उसमें भी ऐसा कोई नाम नहीं दिख रहा है अब ये जो नए लोग लेके आए हैं अश्विनी कुमार शिजित कृष्णन राज अंगद बाबा करण शर्मा है भाई आ, करन शर्मा भी, करन शर्मा जिस सक... स्टाक को मार सकता है तो फिर करण शर्मा ने मिचल स्टार को तीन छक्के मारे जिस आईपीएल टीम में गया वो आईपीएल टीम ने ट्रॉफी उठाई है अनलेस योर नेम इज लिजर्ड विलियम्स को भी इन्होंने लिया है तो छह सात की मुंबई इंडियंस की प्रॉब्लम है वही एक मुझे इनका होल नजर आ रहा है नहीं मुझे लग रहा है सेंटर स्टार्ट करेगा सात नंबर पे वैसे भी सी एस के एम आई की जो राइवलरी है एम आई कहेगी ले अब तुम आर से खेल इनका इनका लोअर ऑर्डर ही मुझे वीक लग रहा है क्योंकि गजनफर कैसी बैटिंग करता है मुझे पता नहीं दीपक चहर ही है मतलब सोच इफ यूर सेवन एंड एट आर सेंटनर एंड दीपक चहर सेंटनर अच्छी बैटिंग कर लेता है मतलब हो सकता है मुंबई इंडियंस के ग्राउंड में कर ले पर, पर विद दिस बैटल है ना सेवन अच्छा कि मैच में दो बच्चों तो दो मैच को आउट भी तो होना पड़ेगा उसके लिए सूर्य को आउट होना पड़ेगा रोहित भाई को आउट होना पड़ेगा हार्दिक को आउट फॉर्म जाना पड़ेगा अल्लाह भाई कितने के बिके का अगर अल्लाह भाई बिके हैं तो पक्का खेलेंगे राजस्थान यही बहुत अच्छी हाँ, बात है कि इनका इंडियन कोर है हमने आईपीएल में बार बार देखा है जिनका इंडियन कोर स्ट्रॉग होता है ही अच्छा करके मुंबई इंडियंस तो बैड ही लग रही है बैड ही टेन ऑन टेन है भाई ये टीम तो टॉप फोर टेन ऑन टेन में कहूंगा एक नंबर काटूंगा की बैकअप नहीं है अगर किसी के भी चोट लगी तो हॉस्पिटल है लेकिन खेलेगा कौन मतलब तो वही रात को मुझे लगता है कि इनको निहाल वडेरा और ये सबके लिए जाना चाहिए था कि जस्ट इन केस अगर सूर्य तिलक किसी को भी कुछ भी हो तो एक बैकअप तो लेके आए क्या नमन धीर भी तो सही खेलता एक है नमनधीर तो मेन इलेवन में है मैं अगर मेन से कोई भी बंदा गया तो बैकअप नहीं है नहीं वही है कि इनकी बेंच पिछली बार स्ट्रॉन्ग थी तो कुछ हुआ नहीं इस बार बेंच स्ट्रांग नहीं है इस बार प्लेइंग इलेवन इतनी स्ट्रॉग है जो पिछली बार भी थी पिछली बार क्लिक नहीं किए और अब तो हार्दिक भाई रोहित भाई का जो फट्टा है वो भी सॉल्व हो वर्ल्ड कप के बाद अरे गाल पे पुच्ची थी भाई रोहित भाई ने यार हाँ, तो <laughs> तो अब नंबर, सात नंबर पे कौन खेलेगा रमनधीर खेल सकता है सैंडर खेल सकता है आठ नंबर पे पक्का इनका अल्लाह जी खेलेंगे दीपक, दीपक चाहर, दीपक चाहर तो नॉर्थ पे कौन खेलेगा अल, आ, जी, पहले दीपक चहर वो कर लो आप लेकिन दस ग्यारह के पक्के हैं फुटबॉल ले खिलाने वाले मुंबई गोटेड टीम वी विल गिव दे

से करें और अपनी प्लेइंग इलेवन बताएं इन पांचों टीम की बाकी जो बची पांच टीम है उनकी प्लेइंग इलेवन की वीडियो अब आ रही है तो सब्सक्राइब कर दो तो तब तक लेट्स यून तीनो लब दिन घूम